हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज हम बनाएंगे फ़िश पकोड़ा, सुरमई फ़िश पकोड़ा। तो उसके लिए हमने ले ली है, आधा किलो फ़िश ले ली है, पीसेस कर लिए हैं इसके। और फ्रेंड देखिए, बिल्कुल फ्रेश फ़िश है हमारी। इसका हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे नमक, इसको हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और देखिए फ्रेंड, आधा नींबू से थोड़ा सा हम रस छोड़ेंगे, आधे नींबू के अंदर, पूरा कम्प्लीटली नहीं निचोड़ेंगे इसे। इसको ऐड कर देंगे हम रस को। और फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और लजीज पकोड़े बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और फ्रेंड्स ये देखते देखते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मिक्सअप हो चुका है, अब 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेरीनेशन था। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं मेरीनेट हुए हुए हमारी फ़िश को। अब हम इसमें ये 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, और फ्रेंड्स ये है 1 चम्मच हमारा ज़ीरा पाउडर है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अजवाइन आप आधा चम्मच से थोड़ी कम लें, चौथाई लें, क्योंकि ये चौथाई चम्मच लें क्योंकि ये इसमें कड़वापन होता है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है हमने क्योंकि पहले से ऐड किया हुआ था हमने नमक। और फ्रेंड 2 से 3 चम्मच लिए हमने हंकड़, यानी टंगा हुआ दही जो होता है, पानी बिल्कुल निकला हुआ, ये ऐड कर देंगे। और 3 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें बेसन। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आप इसमें 1-2 चम्मच चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे और क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन हमारे घर में छोटा बच्चा है तो वो इतना टाइट खा नहीं पाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सॉफ्ट बनाया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो ये लिए हमने लोहे की कढ़ाई, और इसमें हम ऑयल गर्म करेंगे अपना, क्योंकि हमें डीप फ्राई करने हैं पकौड़े। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके एक एक पीस फिश फ्राई का, सुरमई फ़िश फ्राई जो हमने बनाई है, पकौड़े बनाए, इनको एक एक करके पीस ऐड करते जाएंगे ऑयल के अंदर। और फ्रेंड जल्दी से आप बिल्कुल चमचा ना हिलाएं, इसमें बेसन चिपक जाएगा। ये जब नीचे से अच्छे से सिक जाएगा तो ये खुद ही तली छोड़ देगा। ये देखिए बिल्कुल आसानी से छोड़ दिया इसने, जैसे नॉनस्टिक में डाला हो हमने, लेकिन हमारी ये लोहे की कढ़ाई है। अब इन्हें अलट पलट कर लेंगे फ्रेंड्स कुछ मिनट के बाद हम, और दोनों तरफ से यानी चारों तरफ से बिल्कुल हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसे कि पकौड़े होते हैं। और क्योंकि ये फ़िश है, अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया से कुरकुरे हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे पकोड़ों की। अच्छे से हम ऑयल रिलीज करेंगे छन्नी में डाल के। तो फ्रेंड देखिए, ये दो अभी आने वाली मेरी 2-3 वीडियो भी फ़िश की ही होंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फ़िश अच्छी लगती है खाने में, फ्रेश फ्रेश फ़िश मार्केट में आई हुई हैं। और फ्रेंड ठंड, ये इसकी तासीर गर्म होती है फ़िश की, इसलिए सर्दियों में मज़ा आता है इसे खाने में। और ये ऐसी चीज़ें फ्राई वगैरह या ये ग्रिल फ़िश खाने में टेस्टी लगती हैं सर्दियों में। ये देखिए फ्रेंड, एक बैच हम निकाल चुके हैं उसी ऑयल में, दूसरा बैच हम ऐड कर देंगे और इनको भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। और फ्रेंड देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हम अपना ये चाट मसाला जो कि हमारा होममेड है, इससे इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाएगा। हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि छोटा बेबी है हमारे घर में, उसको खाना है, तीखा खा नहीं पाएगा। तो फ्रेंड ये रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है चाट मसाले की, बहुत ही टेस्टी चाट मसाला है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल पे इंडो वेज नॉन वेज पे जाके विजिट करिए, देखिए इस चाट मसाले की रेसिपी को और अपने घर में बनाइए, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, बहुत ही लो कॉस्ट पड़ेगा आपको ये। देखिए फ्रेंड, दूसरे बेज पर भी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाले को, और ऐसे मिक्स कप करके गर्म गर्म में ही मिक्स वो चाट मसाला आप ऐड करें, तभी ये इस पर कोट हो जाएगा अच्छे से। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड, ये हमारा जो केचप है और मेयोनी है, आप किसी भी और सॉसेस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इंजॉय करिए किसी भी हरी चटनी या किसी भी चीज़ के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। तो फ्रेंड्स इन पकोड़ों को अब इंजॉय करेगा मेरा बेटा, और हम मिलते हैं अगली फ़िश की ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।
सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। कैसी लगी अबू जी? अच्छी लगी। आने वाली मिले।